Yes, good morning students. In our previous lectures we have discussed shock therapies. What was the shock therapies? It was a model of transfer of USSR economies from socialist to capitalist, and it was a total shift from socialist economy to a capitalist economies. And the state controls on all the things, on the state controls converted into the private ownership, and that was collective firms were to be replaced by the private firms, and the capitalism was adopted in the agriculture also. In Russia, about 90% of its industries were put up for sale to private industries. And today we will discuss India and the post-communist countries. In the post-bipolar world, India has maintained good relation with all the post-communist states. However, the stronger point were the stronger relations were with the USSR. कि इंडिया के हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस किसके साथ रहे हैं? मेनली इन द USSR. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड USSR एंजॉयज ए स्पेशल रिलेशनशिप. इट वॉज ए मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप कि इसमें बहुत सारी चीज़ों में उनके जो रिलेशन थे दैट रिलेशन कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस. फर्स्ट वन वॉज पॉलिटिकल. सोवियत यूनियन ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया पोजिशन ऑन द कश्मीर इशूज़ कि कश्मीर इशूज़ पर हमेशा जो USSR है, सोवियत यूनियन है, उसकी उसने इंडिया की सपोर्ट किया. एंड देन इन द इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग द 1971 वॉर विद द पाकिस्तान. एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ सपोर्टेड सोवियत फॉरन पॉलिसी इन द इनडायरेक्ट वेज. सो देयर आर द वेरी गुड रिलेशंस of India with the Soviet Union, with the USSR. And second one was the economic. And Soviet Union aided India's public sector's companies like the steel plant at Bokaro, Vishakhapatnam and Bhilai, and machinery plants like Bharat Heavy Electrical Limited. It even accepted India currencies when India was a short of foreign exchange. जब इंडिया में वाज द शॉर्टेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज थी तो इसने इंडिया की करेंसीज को USSR ने एक्सेप्ट किया. एंड नेक्स्ट वन इज़ द मिलिट्री रिलेशंस. एंड इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियंस. एंड देन द कल्चरल्स में जो है इंडियन कल्चर्स एंड हिंदी फिल्म वर पॉपुलर इन USSR कि USSR में हिंदी फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. एंड ए नंबर ऑफ इंडियन आर्टिस्ट वेंट टू द सोवियत यूनियन कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो सोवियत यूनियन में जो हैं वो गए हैं. और इसलिए मोर देन 80 बायलेटरल्स एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज ए पार्ट ऑफ द इंडियो रशियन strategic agreement of 2001. Russia stand to benefit from their relationship because India is the second largest arm market for Russia. India and Russia has collaborated on various scientific projects. इसमें इंडियाज के relations जो हैं USSR के बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं. और मेनली अगर इंडिया को उससे बेनिफिट होता है तो USSR को भी उससे बेनिफिट होता है बिकॉज कि मोस्टली जो है इंडिया जो है इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया. एंड इंडिया एंड रशिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक इश्यूज साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में इनका बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन हुआ है. एंड वन न्यू टॉपिक इज आल्सो इन दिस चैप्टर दैट इज़ द अरब स्प्रिंग्स. एंड आई विल सेंड दिस वीडियो लेटर्स. थैंक यू.